जिसको जितना जरूरत जिसको सहयोग लेगा हम लोग देने को तैयार हैं, और हम जब मांगते हैं तो मिलता भी है सहयोग। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार कई दिनों से चर्चा में थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने बीच जिस तरह से गलतफहमी फैली हुई है मीडिया के बीच, इसी को सफाई देने के लिए वो मीडिया के सामने आए और उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बता रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में मंडी सिस्टम को ख़त्म किया गया, इसको फिर से लागू करने के लिए मैं विभाग से पत्र भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है। अब देखना होगा सुधाकर सिंह के बात की, अब देखना होगा सुधाकर सिंह की मांग को कितनी जल्द पूरा करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुधाकर सिंह। यह सरकार यूपीए की सरकार है, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं बढ़िया से। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्री कोई अलग नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए होता है, सबकी अपनी जिम्मेदारी बटी हुई है, बंधी हुई है, और जरूरत पर सहयोग करते हैं एक दूसरे को। जिसको जितना जरूरत जिसको सहयोग लेगा हम लोग देने को तैयार हैं, और हम जब मांगते हैं तो मिलता भी है सहयोग। तो सुना आपने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां भी मुझे बुलाते हैं मैं जाता भी हूं, और जिस तरह से विभाग में कोई कमी रहती है मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार बताता भी हूं, कोई भी गलतफहमी नहीं है। उनका अधिकार है कि वो किसी भी विभाग को लेकर के बैठक करें, लेकिन मेरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुधाकर सिंह जो है साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब जो है स्थिति स्पष्ट हो गई है, मैं मंडी सिस्टम को फिर से बिहार में लाना चाहता हूं। अब देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी जल्द है सुधाकर सिंह के मांग को पूरी करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।